नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में विवेक जी हैं। आज यहाँ पर एक प्रोग्राम उन्होंने कराया है जिनका हार्ट अटैक प्रॉब्लम है, उनके लिए कुछ गाइडलाइन सर जी देना चाहते हैं ताकि उनके दिए हुए उपायों के ऊपर वो लोग चलें ताकि हार्ट अटैक से बचें। देखिए, ऐसा है, ये इंडो यूरोपियन कॉन्क्लेव का चौथा चरण है और 18वां इंडो यूरोपियन कोर्स, 18वां वी हैव डन 18 कोर्सेस। कोर्स का मतलब होता है कि टीचिंग प्रोग्राम हमने शुरू किया 2008 से जी। आजकल तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग डॉक्टर्स को और पब्लिक दोनों को एक जानकारी देते हैं दिल की बीमारी से कैसे बचें और क्यों दिल के दौरे हो रहे हैं, उसको आगे क्या इलाज कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने जो 18वां सेशन आज किया महाराष्ट्र सदन में 29 दिसंबर 2022 को सुबह से लेकर शाम तक करीब 18 लेक्चर्स हुए, 18 से ज़्यादा ही हुए होंगे, जिसमें अमेरिका के डॉक्टर्स और यूरोप के डॉक्टर्स ने मिलकर लेक्चर्स दिए। अमेरिका के डॉक्टर्स ने वर्चुअली ज्वाइन किया और कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे। इसमें हम लोग का सार ये है कि हार्ट अटैक एक बीमारी बढ़ती जा रही है, इसमें सोचना पड़ेगा। कोविड के बाद कुछ ज़्यादा परेशानियाँ हुई हैं, यंग लोगों को दिल के दौरे पड़े हैं। वैसे भी भारत और साउथ ईस्ट एशिया में हार्ट की बीमारी यंग पॉपुलेशन में एज़ कम्पेयर टू यूरोप ज़्यादा है। कहने का मतलब है, अगर यूरोप में 50 साल दिल की बीमारी शुरू होती है तो भारत में 35 साल पर शुरू होती है। इसके कारण कई हैं, खास करके डायबिटीज़ हमारे यहाँ ज़्यादा है। हमारे यहाँ 11-15% डायबिटीज़ का इंसिडेंस है, जो कि शुगर की बीमारी होती है, जिसमें हार्ट अटैक बढ़ जाता है। अब इसमें चिंता का विषय यह हुआ कि जब कोविड के बाद कोविड बीमारी 2019 में नवंबर में पहली बार वुहान चाइना में हुई, उसके बाद ये मार्च में इंडिया में लॉकडाउन लगा और कोविड वेव वन आया, वेव टू आया। कई हमारे मित्र लोग, कई हमारे परिवार के या सबके परिवार के कोई ना कोई लोगों को इसमें सीवियर घातक बीमारी हुई और वी लॉस्ट देम। देखिए, साथ साथ अब देखा जा रहा है कि यंग लोगों में हार्ट अटैक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्या कोविड कारण है, शोध का विषय है। लेकिन ये लगता है कि कोविड की जो स्पाइक प्रोटीन है वो दिल की नसों के अंदर जो 20% ब्लॉकेज होता है उसको रप्चर होने को मजबूर करता है। रप्चर मतलब एक नस है 3 मिलीमीटर चौड़ी, उसके अंदर 20% कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, वो रप्चर हुआ अंदर ही अंदर और क्लॉट जम गया, खून का थक्का जम गया, तो 20% बिकम्स 100%। फिर तो बोलूँगा 20% जो ब्लॉक था, जिससे छाती में दर्द नहीं हो रहा था, खूब जिम कर रहा है, मस्ती कर रहा है, गाने गा रहे हैं, वो किसी कोविड की किसी एक्टिविटी की वजह से उसके अंदर खून का थक्का जम जाए, और खून का थक्का मतलब नस पूरी बंद हो जाए, उसको दिल का दौरा कहते हैं उसको। और ये कुछ ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए बचाव का कारण यही है कि इसमें आप कुछ दवाइयाँ का सेवन करें, जिसमें अश्वगंधा एक है। कुछ कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ होती हैं जो कई हार्ट के रोगी खाते हैं, वो आम जनता को भी अगर कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा भी बढ़ा हुआ है या उनको डायबिटीज़ है, तो मैं इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन मेरी पर्सनल सोच है कि अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो वो दवा भी खा लें। और ख़ास करके अगर किसी को कोविड हुआ है तो उसको कम से कम 3 महीने से 6 महीने तक एस्पिरिन भी खाना चाहिए, जो खून पतला करने की दवा होती है। पतला कहना आसान होता है, एंटीप्लेटलेट मेडिसिन है। तो ये इस तरह के बचाव करेंगे और रेगुलर चेकअप कराते रहें तो इससे आप बच सकते हैं। 18वां इंडो यूरोपियन कोर्स सक्सेसफुल कोर्स रहा और दिन भर हमारे एक प्रोग्राम हुआ, और अगला हम 19वां पोर्ट ब्लेयर में प्लान करेंगे, यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है अप्रैल में। उसके बाद हम लोग करते रहते हैं। एजुकेशन एक बहुत बड़ा माध्यम है जिससे आप लोगों की जान बचा सकते हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि अगर आपने, जैसे ये हमारा आज को प्रोग्राम हुआ, 2.5 लाख डॉक्टरों के बीच में गया, फेसबुक लाइव था और यूट्यूब लाइव था, सब लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा होना मुश्किल होता है आजकल, वैसे भी धुंध का माहौल है। तो ये हम लोग ने इसको डिजिटल मार्केटिंग एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से इसको हमने 2.5 लाख डॉक्टरों के आसपास लोगों को दिया है। ये क्लर्नेट एक कंपनी है जिन्होंने इसको कोलैबोरेट किया और दे हैव गॉन ऑनलाइन टू 2.5 लाख डॉक्टर्स, सो इट विल बी शोन टू लॉट ऑफ पीपल। और इस माध्यम से हम लोग देश की सेवा तो नहीं कहेंगे, या इनडायरेक्टली हम लोग रोगियों की अगर जान बचती है तो वो एक बड़ी सेवा है। और एक तो इलाज करते हैं, मैं एंजियोप्लास्टी करता हूँ अपोलो हॉस्पिटल में, दूसरा है कि दूसरों को सिखाएं कि आप ऐसे इलाज करें। सारे मरीजों को ना तो मैं अकेला कर सकता इलाज, ना कोई कर सकता। अगर हमारे रोगी, हमारे जो डॉक्टर्स हैं ट्रेन होंगे, जितना ट्रेन डॉक्टर्स होंगे उतना ही हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाओं में फ़ायदा होगा। अभी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी जो दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी थे और इस समय बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता मैं कहूँगा, और बड़े पढ़े लिखे हैं, वो ऑनलाइन आए थे, उन्होंने कम से कम 10 मिनट का अभिभाषण दिया और इस कोर्स की चर्चा की और इस कोर्स को बड़ा अच्छी तरीके से बताया। गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने भी कहा था कि वो ऑनलाइन आएंगे, वो नहीं आ पाए। इस तरह से ये कोर्स हमारा लंदन में कर चुके हैं, पेरिस में, एम्स्टर्डम में, रोम में, ज्यूरिख में। अब इंडिया से बाहर करने का थोड़ा सा टेक्निकल डिफिकल्टी है, इसलिए वी विल गो इन पोर्ट ब्लेयर। और दिल्ली में ये हर 6 महीने पे मैं कोर्स करता रहता हूँ,
और मेरा YouTube चैनल पे भी मैं अलग अलग तरीके से लोगों को ट्रेन करता हूँ। और सर एक लहर आ रही है अभी जिसके लिए सरकार सोच रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि उस लहर से कैसे बचें? देखिए चाइना में ये जो ओमिक्रॉन वायरस का एक नया वेरिएंट है जिसको बॉयफ्रेंड 7 कहते हैं, हम BF7 को बॉयफ्रेंड कहने इसलिए मतलब है कि ईजी है रिमेंबरिंग के लिए, इसको BF7 है, मैंने इसको कहा है बॉयफ्रेंड 7। ओके, ये एक नया वायरस का म्यूटेशन हुआ है जो कि चाइना में जैसे कि वीडियो आ रहे हैं उससे बड़ा डर लगता है, 5,000 से 6,000 केसेस लोग डेथ हो रही है, मौतें हो रही हैं। मैंने चाइना के एक दोस्त थे हमारे आए हुए थे परसों, मैंने उससे पूछा कि ये वीडियो आ रहे हैं क्या एक्चुअल सही है कि या कुछ इसमें झूठे वीडियो भी फेक न्यूज़ तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, अच्छी बात नहीं है, फैक्ट है चाइना में ये इस समय महामारी फैली हुई है। पिछली बार भी चाइना शुरू हुआ और हमारा अमेरिका और यूरोप और इंडिया बहुत बुरी तरह से परेशान हुए, चिंता का विषय तो है, इसमें कोई शक नहीं है। वी आर होपफुल कि हम लोग की हर इम्यूनिटी है, हर इम्यूनिटी मतलब ये कि हम सब इन्फेक्ट हो चुके हैं, लेकिन ये वायरस होगा जरूर, इन्फेक्शन करेगा भारत में, लेकिन शायद माइल्ड सिम्टम के साथ करे। हमारी वैक्सीन भी लग चुकी है बट वैक्सीन का इफेक्ट भी 8 महीने में ख़त्म हो जाता है अगर किसी को प्रिकॉशन डोज पुरानी लगी हुई, जैसे मुझे प्रिकॉशन डोज 1 साल पहले लगी, लेकिन सोचता हूँ मैं दूसरा एक और बूस्टर लगवा लूँ, तो इस तरह का विचार हमारे दिमाग में आता है, लेकिन सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में लोगों की इम्यूनिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चाइना, चाइना में जहाँ इन्फेक्शन कम होगा वहाँ पर इम्यूनिटी कम होगी, जब इन्फेक्शन होता है तो इम्यूनिटी डेवलप होती है बॉडी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।